नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम निकले सुबह सुबह दिल्ली से खाली पेट के साथ, लेकिन देखिए जी, जगह की जो अहमियत होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में बहुत शानदार खाना खाया, बहुत सारे मजे किए और अपनी स्पेशियस मारुति सुजुकी एक्सप्रेसो में बैठ के शान से सवारी करी। और मारुति सुजुकी एक्सप्रेसो की बात यह है खास कि नॉट ओनली इज स्पेशियस, जब आप अंदर बैठे हैं, इसका जो बूट है ये भी बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है। तो मैं क्या क्या लेके जाता हूँ, आइए जरा आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। ये ऑफ कोर्स मेरा सूटकेस जिसमें मेरे सारे कपड़े हैं। दिस इज माय वैनिटी बैग, इसमें मेरे चश्मे, हेयर ब्रश, टॉवल शावल, ये वो। मेरा आइस बॉक्स जिसमें ठंडी ड्रिंक हमेशा रहती है। ये जूते, चप्पल वगैरह, ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ शायद गर्म कपड़ों की जरूरत पड़े, वो इसमें। और ये है बड़ा जरूरी बैग, इसमें है मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, कैश, पेपर्स वगैरह। तो अगर कभी ये बैग कहीं मिले तो वापस कर देना प्लीज़, बड़ा ज़रूरी है। तो बहुत ही स्पेशियस ट्रंक है मेरा, बहुत सारी जगह है। अब ये आपने गैस करना है कि आज शाम को हमारी गाड़ी जाके कहाँ रुकने वाली है, क्योंकि अब हम निकल चुके हैं हाईवे पे। तो मैं और मेरी मारुति सुजुकी एक्सप्रेसो करने वाले खूब सारे मजे, और आप करने वाले गैस कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम दोनों का मैसेज आपके लिए एक ही है, घूमिए, फिरिए, अपना देश एक्सप्लोर कीजिए एंड लिव इट अप, लेट्स गो। और जहां तक जगह का सवाल आता है ना, दिल में जगह होनी चाहिए जी, और मोर इम्पोर्टेंटली पेट में जगह होनी चाहिए खाली हमेशा। तो हम लोग आ गए एक जगह पर जहां पर 1956 में सरदार प्रकाश सिंह जी जो थे, उन्होंने शुरू करी एक छोटी सी चाय की दुकान, और साथ में मठे दिया करते थे वो। जितने भी ट्रक ड्राइवर दूर दूर से आते थे, यहाँ पर रुके चाय और मठी का वो नाश्ता किया करते थे। चाय मठी धीरे धीरे बन गई चावल और सब्जी, चावल और सब्जी बन गई डोसे, छोले भटूरे, आलू पूड़ी, कई किस्म के परौंठे, जलेबी, रबड़ी, मिक्स वेज, ग्रिल सैंडविच। पानी आ रहा है मुंह में। लेकिन आज भी सबसे फेमस चीज यहाँ पर इनकी कुल्लड़ वाली चाय, 2-3 जाफरान के स्ट्रैंड्स उसके ऊपर, बिल्कुल खुशबू मिट्टी की। हाँ 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 हाँ। और सरदार प्रकाश सिंह जी का शुरू किया ढाबा उनके दो बेटों के नाम पे, यानी अमरीक और सुखदेव। तो ये है फेमस अमरीक सुखदेव ढाबा, विच इज इन मूर्थल। जो मूर्थल में आएंगे तो फेमस वैसी है, क्योंकि सारे लोग दिल्ली से जो निकलते हैं पंजाब की तरफ, वो मूर्थल में रुक के ब्रेकफास्ट खाते हैं। लेकिन अमरीक सुखदेव आपको एक ऐसी जगह है जहाँ हमेशा आपको भरा भरा और रौनक मिलेगी। और ये क्यों, खाना गरम गरम आपके टेबल पे, मक्खन परौठों के ऊपर पिघलता हुआ, दही, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली डिलीशियस। नई चीज जो है, उन्होंने कहा हमारा डोसा ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छा है। तो डोसे की फिलिंग ये देखिए, लाइट बेसिक फिलिंग, दाल है साथ में, चटनी के साथ खा के देखते हैं। वाकई डोसा काफी बढ़िया है, लेकिन दिल्ली के इतने पास हो गए, छोले भटूरे से पंगे, डेंजरस। खास बात यह है कि अगर सब कुछ गरम गरम आता है ना, तो आधी प्रॉब्लम्स वैसी फुके हो जाती हैं। पर स्वाद है बहुत बढ़िया, एकदम चटपटा, ताज़ा, स्पाइसी पंच है खाने के अंदर। आलू पूरी हाईली रिकमेंडेड, छोले भटूरे अच्छे हैं, डोसा अच्छा है, लेकिन यहाँ की असली जो कहानी शुरू होती है और आज भी चलती है, वो है परौठे की कहानी। तो पनीर परौठा, खूब सारा सफ़ेद मक्खन, इसको आपने डाला दही के अंदर और एक बाइट ली अचार के साथ। और इसलिए ये लोग आए आते हैं दूर दूर से। तो मूर्थल में सबका एक फेवरेट ढाबा है, तो आपके दिल में कौन से ढाबे ने कितनी जगह बनाई, ये नीचे लेके कमेंट से मुझे बताइए, ये विच इज द बेस्ट ढाबा इन मूर्थल। मैं आपको अपना जवाब बिल्कुल बाद में दूंगा, तो फटाफट लिखिएगा। और अब चलते हैं, खत्म करते हैं खाना और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज जगह हमारी गाड़ी कहाँ रुकती है।